नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम, नमो अरहंताणम। बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, किंतु जो ज्ञान अपने भीतर से प्रकट होता है, शायद पढ़ाई से आज तक तो नहीं हुआ। बड़े बड़े वैज्ञानिकों से, आइंस्टीन आदि से जब पूछा गया कि आपको ये कैसे सूझा, उनका उत्तर इट हैपन, बस घटित हो गया, मैं नहीं जानता कैसे हुआ। उसका उत्तर नहीं दे सकते कैसे हुआ, हो गया, अवतरण हो गया। तो ये भीतर का ज्ञान प्रकट होता है, वह इस क्रम से होता है कि जब हम अपने चिंतन, अपना ध्यान, अपना जप जो करते हैं, उसके प्रकंपन इतने सूक्ष्म और शक्तिशाली बना देते हैं कि वे कर्म शरीर को जाकर प्रकंपित करते हैं और वहां परिशोधन करते हैं, तो हमारी स्थूल शरीर की शक्तियां, आनंद और ज्ञान भी जागृत हो जाती हैं। इसलिए जो भी मंत्र की साधना करें, आगे की बात तो मैं अभी नहीं करूंगा, आगे तो और बहुत रहस्य है, पर एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो प्रारंभ करता है, उसके लिए ये तीन बातें रहस्यपूर्ण है। श्वास के साथ मंत्र को जोड़ना, उच्चारण की कला को सीखना, श्वास की कला, उच्चारण की कला, और साथ में भावना का योग, यानी जो मंत्र जप कर रहे हैं, जिस इष्ट का जप कर रहे हैं, उसके साथ समग्रता से भावना जुड़ जाए, तादात्म्य हो जाए, हमारी एकात्मकता, भेद न रहे। प्रारंभ में तो भेद रहता है, पर साधना करते करते अभेद स्थापित कर ले कि जो मैं होना चाहता हूँ वही मंत्र का जप कर रहा हूँ, जो मंत्र का जप कर रहा हूँ वही मैं हो रहा हूँ, इस प्रकार की एकात्मकता जुड़ जाए, तो मंत्र का चैतन्य होता है, मंत्र स्वयं जागृत होता है। मंत्र की भी अवस्थाएं होती है, मंत्र भी चैतन्य हो तब काम करता है, जब मंत्र चैतन्य न हो तो मंत्र कोई काम अपना नहीं करता। तो वह जागृत अवस्था हो जाए और फिर उसका हम प्रयोग करते हैं, तो वह सचमुच हमारे सुप्त प्रकोष्ठों को खोलने वाला और विकस्वर करने वाला बन जाता है। अभी एक प्रसंग चल रहा था, एक भाई ने कहा कि जो प्रेक्षा ध्यान में आप प्रयोग करा रहे हैं, जो नए लोग आते हैं वे बहुत लाभ उठाते हैं, और जो सदा आसपास रहते हैं वे उतना लाभ नहीं उठा रहे। मैंने कहा ये तो होगा ही, ये तो होगा, फिर तो समझे हमारा है ही, हम क्या करें, बस ध्यान ही नहीं देते। नए लोग आते हैं जिज्ञासा के साथ आते हैं, कुछ पाने के लिए आते हैं, कुछ समस्या को सुलझाने के लिए आते हैं, वे अधिक सूक्ष्मता से पकड़ते हैं। मैंने देखा है कि प्रेक्षा ध्यान के प्रयोगों से जो नए लोग आते हैं इतना लाभ उठाते हैं, उतना लाभ हमारे साधु साधियां भी नहीं उठा पाते हैं, श्रावक तो बिल्कुल उठा नहीं रहे। इसका कारण यह कि वे अभिप्सा जिज्ञासा प्रबल नहीं बनी है, और कुछ ये समझ लेते हैं कहे तो हमारे घर की बात है ही, हमारे पास ही है, बस हमारे पास है, आई है, बस हमारे पास है, मेरे पास है, तो उसकी ओर पूरा ध्यान नहीं जाता। पूरा ध्यान तब जाए यह लगे कि हाँ कोई नई बात है, इससे बड़ा लाभ हो सकता है, कर सकता है। मैं तो ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि चाहे तुम्हारी साधु संस्था हो और चाहे श्रावक समाज हो, यदि प्रेक्षा ध्यान का, मंत्र विद्या का आदि आदि अध्यात्म के प्रयोगों का सम्यक प्रयोग करें, तो आप सबसे पहले, हमारा शरीर है 70-80% शारीरिक समस्याओं से मुक्त रह सकते। मुझे तो आश्चर्य होता है कि छोटी छोटी बच्चों के आजकल का ऑपरेशन हो रहा है,
आज भी आए कि इसका ऑपरेशन हुआ है अभी, छोटे बच्चे के भी हार्ट का ऑपरेशन, युवक के हार्ट का ऑपरेशन, जबकि हमारे हार्ट में तो ताकत इतनी है कि ठीक काम ले तो 100 वर्ष से ज्यादा काम दे सकता है और अधिक काम दे सकता है, पर फिर भी आजकल तो बाईपास सर्जरी तो ऐसा शब्द बन गया कि सीधा बाईपास सर्जरी हो गया बस। ऐसे क्यों होता है कि हम सही उपयोग नहीं करते? पास में तो है पर उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर ठीक उपयोग करें, एक तो आहार का विवेक, एक श्वास लेने की कला और एक कुछ प्रयोग, मंत्र के प्रयोग करें, तो आपको आश्चर्य हो सकता है। डॉक्टर दयानंद भार्गव जो प्रोफेसर हैं, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और हमारे साथ ही रहते हैं बहुत बार, उनके हार्ट की तकलीफ हो गई। वे वहां दिल्ली या जयपुर से, मुझे पता लगा, उनका पत्र भी आया, उनके लड़के भी डॉक्टर हैं। पत्र आया तो मैंने कहा आप और तो दवा ले रहे हैं, चिकित्सा चल रही है, उसके साथ आप शक्ति केंद्र पर लम 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 का प्रयोग करें। उनको एक मंत्र बताया, लंग बीज है जो, उसका प्रयोग करें शक्ति केंद्र पर ध्यान केंद्रित कर। कुछ दिनों बाद उनका पत्र आया कि मुझे दर्द हो रहा था और मैंने वह लंग का प्रयोग किया, 5-10 मिनट किया और ऐसा लगा किसी ने इंजेक्शन लगा दिया और मेरा दर्द गायब हो गया। ये पता नहीं कैसे, अनेक प्रयोग हमने देखे हैं, कराए हैं कि कितना लाभ तत्काल हो जाता है। एक हमारी मुमुक्षु की लीवर में काफी खराबी थी, बहुत इलाज करा लिए, 3 महीना 4 महीना इलाज कराए, लंबे समय कराए, ठीक नहीं हो रहा था। मेरे पास आई कि इतने इलाज करा लिए, दवाइयां ले ली, ठीक नहीं हो रहा है। हमने कहा दवाइयां चलने दो, जैसा तुम जानो। उसके साथ लीवर पर ध्यान कर और हुम 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 का इसका 10 मिनट प्रयोग करो। उसने 2-3 बार किया, 2-3 महीने बाद चेकअप कराया कि बिल्कुल लीवर ठीक है, कोई बीमारी नहीं है उसके साथ की। तो हमारे पास शरीर में बहुत है, स्वयं हमारे शरीर में ही, हमारे शब्दों में या भावना में इतनी ताकत है कि अनेक समस्याएं सुलझ जाती है। काफी समस्या, हमारी एक साध्वी थी श्रमणी थी वह उस समय, साध्वी थी, हाँ साध्वी हो गई, हाँ साध्वी बन गई थी, श्रमणी थी, साध्वी बन गई थी। हाँ, तो उसके नाक से खून बहना शुरू हो गया। वहाँ लाडू में अच्छा हॉस्पिटल है मंगलम में भर्ती कराया, डॉक्टरों ने इलाज किया, खून बंद नहीं हो रहा, नाक से बराबर रिस रहा। आखिर डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी कि कुछ हम तो नहीं कर सकते कुछ। अपने स्थान पर आ गए जैनिक सुभारती में। उस्ताद जी का पत्र मेरे पास पहुंचा, उसने लिखा कि अब तो बस डॉक्टर ने उत्तर दे दिया, कोई इलाज है नहीं और अब तो अंतिम समय है, आपको ही मेरे से साधना का ऐसा प्रयोग बताएं कि जिससे मेरी साधना अच्छी चले। हमने एक प्रयोग बताया और लेशिया ध्यान का प्रयोग उसके लिए लिखकर दे दिया, प्रयोग किया और शायद पहले दिन ही खून बंद हो गया, बिल्कुल स्वस्थ, रात को विहार कर रही है सर, जब मरणावस्था में थी। तो शक्तियां तो हमारे पास बहुत हैं, पर हमारा विश्वास नहीं, जानकारी भी नहीं, इसलिए लाभ नहीं उठा रही है। तो मंत्र के रहस्य के बारे में कुछ कहने की बात जरूरत थी आज, तो कुछ बातें बता दी। तो मंत्र के रहस्य और रहस्य तो बहुत है, और ज्यादा किसी को जानना हो तो हमने पुस्तक में भी जो पुस्तकें हैं, तुम स्वस्थ रह सकते हो और एक भीतर की ओ, सैकड़ों प्रयोग है उसमें, कोई भी व्यक्ति, हाँ ठीक है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है और उठा सकता है, पर कम से कम ये जिज्ञासा जागे कि मुझे स्वस्थ रहना है, मन को अच्छा रखना है,
शांति से रहना है, घर में शांति रखना है और अपनी शक्तियों को जागृत करना है। पहले तो ये भावना जागनी चाहिए, शायद ये भावना जागृत करने का मौका ही नहीं मिलता, इसे व्यस्त रहते हैं, कमाई में का अवसर ही नहीं मिलता, तो कैसे हो। तो अगर भावना जागे तो मंत्र विद्या के द्वारा उसके रहस्यों को समझकर और काफी लाभ उठाया जा। I don't know.